मेरा नाम हर्षिता है एंड यू आर वाचिंग हर्षिता नाय शॉर्ट एंड क्राफ्ट में। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझा था, इस वीडियो में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिटेल में समझेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैटर्न क्या होती है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर किसी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी और रहे थे आता है तो यह सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। और इसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है वाज और वर। वाज और वर, तो और वाज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आओ अब इस स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल यानी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है वह बाग में घूम रहा था। इसके एंड में यानी कि वाक्य के अंत में रहा था आ गया, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। तो आओ अब इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मूले यानी कि स्ट्रक्चर की मदद से। तो सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब। तो फिर वाज हमेशा सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है और वर्ब हमेशा प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही और ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग होगा। वाज। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है घूम यानी कि वॉक। अब हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करना है आईएनजी। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक। अब वॉक के अंदर ऐड करेंगे हम आईएनजी तो हो जाएगा वॉकिंग। अब हमें इसमें ऐड करना है अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है बाग यानी कि कहाँ घूम रहा था, वो बाग में घूम रहा था यानी कि गार्डन। इन द गार्डन। अब उसे एक और अब हमारा ये सेंटेंस बन के रेडी हो गया है। सेंटेंस है ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। आओ अब इसका एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल है तारे चमक रहे थे। इसके अंदर रहे थे आगे यह सेंटेंस भी इसके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। तो इसमें तारे चमक रहे थे। तो आओ अब इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर की मदद से। तो सब्जेक्ट है तारे यानी कि स्टार्स। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है वाज वर्ड। अब ये स्टार्स है यानी कि प्लूरल है। तारे हैं, तारा नहीं है, एक तारा नहीं है, बहुत सारे तारे हैं, इसलिए ये प्लूरल है। तो फिर यहाँ पर हम वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर हमें ऐड करना होता है अपना ऑब्जेक्ट।
इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मूले की स्ट्रक्चर की मदद से। तो इसके अंदर सब्जेक्ट है हम यानी कि वी। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है वाज वर। अब हमारे जो सब्जेक्ट है वो है वी और वी प्लूरल है इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया जाएगा। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है नॉट। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेल यानी कि प्ले। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है आईएनजी। अब हमें इसमें ऐड करना है अपना लूडो मतलब अपना ऑब्जेक्ट यानी कि हम क्या खेल रहे हैं लूडो नहीं खेल रहे इसलिए यहाँ आएगा लूडो। वॉज
राइटिंग द लेटर। तो अब और इसी तरह ये सेंटेंस बनने के बाद हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।